जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खंड उसका बाजार के ग्राम पंचायत मदनपुर में गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग की गई। 43.3 वर्ग मीटर का क्रॉप कटिंग कर 11 किलो 400 ग्राम गेहूं का उपज मिला। वहीं क्रॉप कटिंग के अवसर पर जिलाधिकारी संजीव रंजन और कृषि कर्मचारी एवं लेखपाल सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि गेहूं की फसल में नमी है, साथ में गेहूं में अच्छी पैदावार भी पाई गई है। इस क्रॉप कटिंग से पैदावार का ज्ञात किया जाता है और साथ में बताया कि जिस भी किसान को समस्या हो उसे तत्काल बताएं, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। कटिंग किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? क्रॉप कटिंग का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग उत्पादकता इससे निर्धारित करते हैं कि क्षेत्र में कितनी उत्पादकता हुई है, और ये राजस्व विभाग का खरीफ और रबी दोनों का हमेशा कराया जाता है, ताकि किसानों को के लिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके उनके उत्पादकता क्या रही है। अगर कोई कमी रहती है तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाती है। तो इस साल फसल अच्छी रही है, अभी थोड़ी नमी है खेत में। आज मदनपुर में शीला जी है, इन्हीं के खेत की क्रॉप कटिंग की गई थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।